डैम एक मर्तबा भर जाता तो कई सालों से वो कई सालों तक उसका पानी इस्तेमाल करते रहते, खेतों को भी सैराब करते, खुद भी पानी पीते, जानवरों को भी पानी पिलाते। तो आप लोगों को तो पानी की कदर है ना, तो पानी की किल्लत होगी, किसी चीज की किल्लत होगी तो उसकी कदर होगी। हम एक एक बाल्टी पानी के लिए तरसते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पूरा डैम मुहैया किया था। खुद भी पियो, जानवरों को भी सैराब करो, अपने बागात को मीठा पानी दे दो। और इसके अलावा एक और नियामत अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दी कि ये यमन में रहते थे और यमन से लेकर तिजारत के लिए शाम चले जाते, यमन से लेकर शाम तक बस्तियां ही बस्तियां, आबादी ही आबादी, न किसी चोर का खतरा, न किसी डाकू का खतरा। सफर में कहीं थक जाए, घर मौजूद है, वहां पे आराम करो। अब उनको तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्यों ऐसे पुरसुकून इलाके में रहते थे कि हर तरह का मेवा मुहैया। नंबर दो, इलाका भी पूरा अमन, बीमारी कोई नहीं, मच्छर कोई नहीं, कठमल कोई नहीं, टिड्डी कोई नहीं। लेकिन मसला यह है कि इंसान की फितरत है कि इंसान खाता है, इंसान के पास असबाब और माल ज्यादा होता है तो इंसान को फिर शरारत और मस्ती चढ़ जाती है। इन्होंने फआरजू, एराज किया। मैंने पिछले जुम्मे को उसकी पूरी तफसील आपके सामने बयान की कि अल्लाह ने उनके डैम को कैसे तबाह बर्बाद कर दिया। और जो माना है कि हर किस्म के फल मेवे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कसीले, बदमजा और जंगली बेर में तब्दील कर दिया। जो इनके फल फ्रूट के दरख्त थे, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, ऐसे दरख्तों में तब्दील किए कि वो फल और वो मेवा बदमजा थे, कसीले थे, कड़वे थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जंगली बेर में तब्दील किया। जंगली बेर की खसूसियत ये होती है कि जिसमें कांटे ज्यादा होते हैं, फल कम होता है, और बाकी दूसरे किस्म का बेर है उसमें फल ज्यादा होता है, कांटे कम होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में बात फरमाई कि वह हल नुजाजी इल्लल कफूर, हम नाशुक्रा इंसानों को इस तरह की सजा देते हैं। क्या फरमाया, वह हल नुजाजी इल्लल कफूर, नाशुक्रा इंसानों को, नाशुक्रा कौम को हम इस तरह की सजा देते हैं। किस तरह की सजा देते हैं? इस तरह की सजा देते हैं कि नियामत छीन लेते हैं, नियामत छीन लेते हैं। आप देखें आजकल कोई भी चीज आप खाएंगे तो क्या कहें यार, पहले इसका कितना जायका था, अभी चीजों में जायका ही नहीं है। जैसे कौम सबा चीजें तो वही थी, अल्लाह ने उनको कसीला बना दिया, कड़वा बना दिया। ये नाशुक्री की सजा है। नंबर दो, अल्लाह तबारक व तआला ने एक और बात बयान फरमाई, क्या अल्लाह ने फरमाया कि फजअल्ला अहादीस, और हमने इनको कहानियां बना दी। किससे बना दिए? जैसे पिछली कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक किया, आज हम इनका किस्सा पढ़ते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम का ये किस्सा था, इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हलाक किया। अल्लाह फरमाते हैं फजअल्लाहुम अहादीस, हमने कौम सबा को किस्सा बना दिया, कहानी बना दी लोगों के लिए। वमज़्ज़कनाहुम कुल्ल मुमज़्ज़किन, एक तर्जुमा इसका यह होगा कि हमने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिए और हमने उनको मुंतशिर कर दिया। टुकड़ा टुकड़ा करने का मतलब ये नहीं कि उनके पीस बने और ये कट गए, और ये है कि वो उनके टुकड़े टुकड़े जिस्मानी एतबार से बने, नहीं,
अल्लाह ने उनको इज्तिमाई तौर पर मुमज़्ज़ब बना दिया कि वो एक दूसरे से अलग थलग हो गए। जो कौम मुश्तरका आबाद थी एक इलाके में यमन में, ये यमन के लोग थे, यमन में रहते थे, लेकिन जब इन पर यह सैलाब आ गया और उनके दरख्तों को अल्लाह ने तहस नहस कर दिया, खत्म हो गए, तो उन्होंने इलाका छोड़ दिया। हालांकि वो एक ही बाप की औलाद थे, सब ये जो 10 कबीले थे कौमे सबा में, कौमे सबा में 10 कबीले थे, वो जाकर एक ही बाप की औलाद से मिलते, लेकिन इस नाशुकरी की वजह से अल्लाह की गिरफ्त उन पर आ गई और जो अल्लाह तबारक व तआला ने नियामतें दी वो नियामत उनसे सलब हो गई, नियामत अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे छीन ली। फिर वहां पे वो बैठने के काबिल न रहे, मुंतशिर हो गए, कुछ मक्के में चले गए, कुछ यमन ही में कायम रहे, कुछ यसरब में चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इज्तिमाई तौर पर तफरीक कर दिया, मुतफर्रिक हो गए, और किसी कौम को जो यकजा हो, एक साथ हो, उसको अलग करना कि मरते दम तक एक दूसरे का चेहरा तक न देखे, ये भी अल्लाह की गिरफ्त है। ये दो भाई हो, एक मशरिक में हो, एक मगरिब में हो, मरते दम तक एक दूसरे को न देखे, ये भी तो अल्लाह की गिरफ्त है। अल्लाह फरमाते हैं मुमज़्ज़क, हमने उनको मुंतशिर कर दिया, एक मशरिक में है, एक मगरिब में, एक शमाल में, एक जुनूब में है, वो एक दूसरे का नजारा भी नहीं कर सकते, बाप है, बेटा है, और दो भाई है, एक दूसरे को नहीं दे, मरते दम तक एक दूसरे को न देखे, ये भी अल्लाह की तरफ से क्या है, गिरफ्त है। और हम सोचते नहीं है, और ये चीज हमें भी है, ये चीज हमें क्या है कि नहीं है, दो भाई हैं एक ही चार दीवारी के अंदर, एक दूसरे को नहीं देख सकते, क्यों? दिल में नफरत है, बुग्ज है, हसद है, कीना है। इसी तरह बहुत सारी जगहों में मियां बीवी में भी इस तरह के इख्तलाफात, बहुत सारे जगहों में बाप बेटे में इख्तलाफ, बहुत सारे जगहों में दो भाइयों में इख्तलाफ, एक दूसरे का चेहरा तक देखने के लिए वो गवारा नहीं कर सकते। जो चीज कौम सबा में है वही चीज हमें भी है। अल्लाह ने हमारे दिल को इतना सख्त बना दिया कि हमारे दिल, हम जो भी हमें नसीहत करें, भाई आप इससे मिलो, ये आपका भाई है, ये आपका पड़ोसी है, ये आपका अब्बू है, ये मतलब ये कि आपकी बच्ची है, किसी वजह से नाराजगी हो चुकी है, तो आप इनसे मिलो, भाई भाई में नाराजगी खत्म करो, लेकिन मजाल है कि किसी के दिल के अंदर ये बात असर कर जाए और उसको सीने से लगाने के लिए तैयार हो जाए, नहीं, ये भी अल्लाह की तरफ से गिरफ्त है। जिस किसी को देखो इसका चेहरा ऊंचा हुआ है, एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह माना ये है, अभी तो कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चे को दम के लिए लाया गया, छोटा सा बच्चा, अगर 2-3 साल का हो, उसको मैं दम कर रहा हूं ऐसे, बच्चों का देखो उनकी तबीयत किस तरह हो गई है। इंसान को चाहिए कि इंसान खुश अखलाक हो, खंदा पेश है, हदीस पाक में आता है एक बंदा दूसरे के साथ सिर्फ खंदा पेशानी के साथ पेश आए तो उस पर भी उसको सवाब मिलेगा। खंदा पेशानी समझते ना, मुस्कुराहट के साथ किसी के साथ सलाम करो ना, इस पर भी सवाब मिलेगा। 2-3 साल का बच्चा है, मुझे घूर घूर कर देख रहा है, क्यों? माँ बाप से यही कुछ सीखा है। लाजमी बात है 24 घंटा घर में माँ बाप एक दूसरे को इस तरह बिल्डिंग की तरह आंखें दिखाएं तो बच्चे भी तो इसी तरह दिखाएंगे। ये दिलों में नफरत क्यों पैदा हो गई? दिलों में नफरत क्यों पैदा हो गई? आप इनको कहो कि भाई आप हाथ मिलाओ से, ये आपका भाई है, ये आपकी घरवाली है। सबसे ज्यादा केस, सबसे ज्यादा लड़ाइयां, सबसे ज्यादा झगड़े दिन में तकरीबन 5-6 तो इस तरह के केस हमारे पास आते हैं। बर्दाश्त का वादा नहीं है, सब्र का
मतलब वादा भी नहीं है दिल के अंदर, नफरत ही नफरत है कि मुझे इससे बोझ रखना है, मुझे इससे नफरत करनी है। और एक इंसान के दिल के अंदर ये बीमारी पैदा हो गई, मरते दम तक उसकी ये बीमारी नहीं निकलेगी। इंसान को चाहिए कि वो झुकने की सलाहियत पैदा करे, अपने आप को झुकाना सीखे। अगर एक भाई के अंदर अकड़ है, गुरूर है, तकबर है, तो मुझे चाहिए कि मैं वो अपने दिल के अंदर गुरूर, तकबर, हसद, कीना, बुगज, नफरत निकाल दूं, ये इंसानियत है। उसमें अगर इंसानियत नहीं है तो मैं कम से कम इंसानियत का मुजाहरा करूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वजअल्ला वमज़्ज़क़नाहुम कुल्लम मुमज़्ज़क, कि हमने इनको मुंतशिर कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने का मतलब यह है किसी को उधर फेंक दिया, किसी को इधर फेंक दिया, किसी को इधर फेंक दिया, मरते दम तक एक दूसरे का नजारा तक नहीं देख सकते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला रहीम है, रहम को पसंद फरमाते हैं, और जिस बंदे के दिल में नरमी नहीं है तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने सब चीजें, सब खैर अल्लाह ने उसे सलब कर लिए, किसी के दिल के अंदर नरमी ना हो। बहरहाल नियामत की कदरदानी भी करना चाहिए और नियामत का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके अलावा देखो, ये नियामत छिन जाती है एक नाशुक्री की वजह से, और नियामत सलब होती है ना कदरी की भी वजह से। ना शुक्री और ना कदरी में फर्क है। इंसान से अल्लाह तबारक व तआला नियामत छीन लेता है ना शुक्री की वजह से। कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये मर्द में भी सिफत है, औरतों में भी सिफत है, और ये बहुत बेकार सिफत है कि जब भी आपके पास वो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस इनकी जबान पर ये है कि हमारे घर में तो कुछ नहीं है, जिल्लत है, जलीली है, माने नेस्ती है, वारी है, उनकी जबान से हर वक्त ये अल्फाज। ये तो मेरी और आपकी कमजोरी है ना, अल्लाह ने मुझे सब कुछ अता किया है, कमाने के लिए मुझे हाथ दिया है, कमाने के लिए, देखने के लिए मुझे आंखें दी हैं, चलने के लिए मुझे कदम दिए हैं। अल्लाह बनी इसराइल की तरह मन्नो सलवा तो नहीं उतारता ना आसमान में। एक बंदा अगर मेहनत करे, अगर वो चाहे कि मैं मेहनत करूं तो बहुत कुछ कमा सकता है। मेहनत तो करे, घर से तो बाहर निकले, उसको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हरकत में बरकत है, कहते नहीं कि हरकत में बरकत है। तो बहरहाल नियामत कि इंसान अगर नाशुक्री करे तो भी नियामत अल्लाह छीन लेते हैं, इंसान नियामत की नाकदरी करे तब भी नियामत सलब हो जाती है। हदीस पाक में आता है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर में तशरीफ लाए, रोटी का टुकड़ा घर में पड़ा हुआ था, सामने दरवाजे में पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा इस रोजी की कदर करो, इस रोजी की कदर करो, इसलिए कि एक मर्तबा ये किसी घर से निकल जाए तो दोबारा ये रोजी नहीं आती, रिज़्क दोबारा नहीं आता, इस रिज़्क की कदर करो। और हमने क्या किया और हम किस तरीके से रिज़्क की कदर करते हैं, आप देखें। हमारे यहाँ तो अभी तो वो अल्लाह ने शादियों के जो प्रोग्राम थे, जो शादी हालों में शादी के प्रोग्राम होते, वो भी बंद कर दिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तफसीर मैंने आपको ईद के दिन बता दिया ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या मतलब है ला हौला का? मतलब ये है कि गुनाह से बचने की ताकत इंसान में नहीं है, अगर है तो अल्लाह की ताकत से है। पूरे दुनिया के लोग अगर चाहते कि हम सिनेमा हॉल बंद कर देते, बंद कर सकते, बल्कि हुकूमत में इतनी जरूरत नहीं थी कि सिनेमा बंद कर देते, और ये जितने खाने थे वो बंद कर देते, शराब खाने बंद कर देते, पता नहीं किस तरह के अड्डे सारे बंद कर लेते, लेकिन अल्लाह ने बंद करके दिखा दिया। इसको कहते हैं ला हौला। ला हौला का मतलब है कि कोई गुनाह से रुकना चाहे तब भी नहीं रुक सकता है जब तक अल्लाह ताकत न दे।
और वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, वला कुव्वत इल्ला बिल्ला क्या मतलब है, अगर मैं नेकी करना चाहूं तो मुझ में नेकी करने की ताकत नहीं है जब तक अल्लाह ताकत ना दे। अल्लाह ने ताकत बंद कर दिया तो लोग काबतुल्लाह जा नहीं सकते, इसमें भी अल्लाह की ताकत शामिल होगी तो जाओगे। तो ये अभी शादी हालों में फिर शादी की तकरीब होती, फिर इसके बाद जो बराबर जो कचरा कुंडी होता था उसमें देखते काने का किस तरीके से बेहतराम किया जाता, काने को फेंक दिया जाता। हमने खुद देखा है यहाँ कचरा है, गंदगी है, पाखाने हैं, उन्हीं के ऊपर जो है ना वो रोटी को, बिरयानी को और सालन को गिराया जाता है। ये नियामत की नाकदरी है कि नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा इसकी कदर करो रजी अल्लाह तआला अन्हा, एक मर्तबा अगर ये किसी घर से निकल गया तो दोबारा नहीं आ सकता। और एक बात और भी याद करो, जो लोग मुलाजिम हैं जिस पेशे से मुंसलिक हैं, चाहे उसका ताल्लुक हट से हो, चाहे उसका ताल्लुक गाड़ी से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फन से हो, वहां पे आप काम कर रहे हो उस इदारे में, उस जगह को, उस गाड़ी को, उस हट को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। उसका क्या मतलब है, आप उसको संभाल रहे हो, आप उस अमानत की अमानत अच्छे तरीके से अदा, आपकी ड्यूटी आपकी अमानत है, आप अगर अच्छे तरीके से इसको अदा कर रहे हो, गाड़ी के स्ट्रिंग पर बैठ जाओ, आप ये ना कहो कि मुझे 500 लेना है बाकी गाड़ी की ऐसी की तरह कुछ भी हो जाए, मुझे तो मगरिब के वक्त 1000 रुपए लेना है गाड़ी कुछ भी हो जाए, नहीं, आप उस पर लात नहीं मार रहे, आप अपनी खुशी पर लात मार रहे। तो जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है आप उस जिम्मेदारी की कदर करोगे तो उसका क्या मतलब है, आप अपनी रोटी की कदर कर रहे हो। आप उस पर लात मारने का मतलब क्या है, आप अपनी रोटी पर लात मार रहे हो। जो जिम्मेदारी किसी भी इंसान को दी जाती है उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से अदा करने का मतलब यही है कि वो अपने रिज़्क़ की कदर कर रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो बहरहाल इंसान ना शुक्री भी ना करे, ना कदरी भी ना करे। इसी तरह एक ना कदरी और ना शुक्री ये भी है कि जैसे जमाने जाहिलियत में आपने सुना होगा कि किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती थी। देखो अल्लाह तबारक व तआला किसी को अगर बच्चा दे दे या किसी को बच्ची दे दे तो हमें कबूल करना चाहिए। आप उनसे पूछेंगे जिसके घर में ना बच्चा है और ना बच्ची है, और पहले जाकर साल साल दो दो साल पहले जाकर ईदी सेंटर में फार्म भर देते हैं और फीस भी जमा करा देते हैं और ये कहते हैं कि अगर नाजायज बच्चा भी तुम्हारे हाथ में आ जाए तो हम उसको गोद लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर किसी को अगर अल्लाह बेटी भी दे दे, बहुत सारे लोग नाराज होते हैं। भाई बेटा हो या बेटी हो, दोनों अल्लाह की नियामतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला बाज जगहों में अगर बेटा नहीं अदा कर रहे, नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है ही नहीं। अल्लाह तो इंसान पर करीम है, मेहरबान है, वो किसी को अगर नरीन औलाद नहीं देता, बेटा नहीं देता, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने जो फैसला किया उसको मन अन तस्लीम किया जाए। अल्लाह ने इंसान के हक में बेहतर फैसला किया है। बाज़े जगहों में कुछ बदबख्त लोग होते हैं, सुसर सास होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो बहू को कूसते हैं, बहू को बुरा भला कहते हैं कि इसने बच्ची क्यों पैदा की, इसने बच्ची क्यों पैदा की, भाई ये उसके अख्तियार में है कि ये तो फिर तुम्हारे बेटे को जोर लगाना चाहिए था, कसूर इसका नहीं, कसूर फिर वो तुम्हारे बेटे का है। अल्लाह बेटी दे दे तब भी राजी हो जाओ, बेटा दे दे तब भी राजी हो जाओ, देने वाला कौन है? लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासा व यहबु लिमन यशा अज़्ज़कूर। बेटा देने वाला हर जुम्मे को भी बयान करता हूं, हर जुम्मे को यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासा, जिसको अल्लाह बेटा दे दे, जिसको अल्लाह बेटी दे दे, और जिसको अल्लाह जोड़े दे दे, वो ये जालू मैं यशावा की माँ, जिसके ताले अल्लाह लगा दे कोई उसको देने वाला नहीं है। लोग नाकों का इलाज करते हैं, वो औलाद नहीं होती, और अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे लोगों को बगैर किसी इलाज के औलाद था।
याद रखो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर किसी को अल्लाह अता करे उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बाद जगहों में लड़का अल्लाह की तरफ से नियामत है, उसमें हिकमतें हैं। बाद जगहों में लड़कियां अल्लाह की नियामत है, उसमें भी हिकमतें हैं। नहीं, हर हाल में हमें लड़का ही चाहिए। भाई अंदर से ये बना रहा है क्या? इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई औलाद बना रहे? देने वाली जात अल्लाह की। अगर किसी ने किसी घर के अंदर इस तरह की बेहूदा बातें हो गई कि हमारी बहू ने बच्ची क्यों पैदा की है, अगर इस तरह के कलिमात किसी घर से अदा किए गए, किसी इंसान की तरफ से अदा किए गए, माशाल्लाह ये जुमला इंसान को कुफर में लेके जाता है। बस बेटा पैदा हो जाए, अगर चाहे वो सरिया चोर हो, कोई भी चोर हो, लोहा चोर हो, उधर चोर हो, कुछ भी हो, जो बस बेटा पैदा हो जाए, बस हमें बेटा पैदा हो, हमारे लिए बेटा ही चाहिए। बहरहाल जो अल्लाह तबारक व तआला दे दे उसको कबूल करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? ये बहुत बुरी रस्म है कि अगर किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो गई तो फिर क्या करते हैं, फिर वो उसको पूछते हैं और बुरा भला कहा जाता है कि क्यों बच्चे पैदा किए। और बाद जगहों में बदबख्त लोग तलाक भी देते हैं, एक बच्ची पैदा हो गई, दूसरी मरतबा फिर बच्ची पैदा हो गई, तीसरी मरतबा फिर बच्ची पैदा हो गई, तो फिर ऐसा करो घर लेकर अल्लाह के साथ लड़ाई करो। इसका इंसान के साथ क्या ताल्लुक है? यही काम मक्का के मुशरिकीन किया करते थे, बस फर्क ये कि अब ये दफन नहीं कर सकते, वो दफन कर देते। बस बच्ची पैदा हो गई, गड्ढा खोद कर दफन कर देते। अब ये शर्म के मारे दफन नहीं कर सकते, ये अपने बहू को पूछते हैं, बहू को गाली दे देंगे, तुमने बच्ची क्यों नहीं पैदा की। शर्म आनी है चाहिए ऐसे घर वालों को जो अपने बहू को इस तरह के ताने देते हैं, इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। फैसला अल्लाह का हो और आप इल्जाम किसी उस बच्ची पर डालते हो, इल्जाम उस औरत पर डालते हैं, और ऐसे बदबख्तों को अल्लाह दुनिया के अंदर भी दिखाता है। ऐसे बदबख्तों को दुनिया में उसकी भी बच्ची को इस तरह किसी के घर में जलील कर देता है, तब जाकर उसको मौत देता है। बहरहाल इस तरह ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बात चल रही थी नियामत की, नाकदरी की। ये भी नाशुक्री है, ये भी नाकदरी है। औलाद अल्लाह तबारक व तआला देखें हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे लेकर आप उसका दम करो, यकीन जानो वो आप देखेंगे तो उस वक्त अल्लाह का शुक्र हमारे जहन में आ जाता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चों को अल्लाह ताला ने कम से कम हाथ पांव तो सही अता फरमाए। किसी बच्चे का मुंह टेढ़ा है, किसी का हाथ टेढ़ा है, चार चार पाँच पाँच साल के बच्चे लेकर आते हैं, अभी तो उछल नहीं सकते, हालांकि बच्चा एक साल में चलते। अल्लाह दिखाता है दुनिया को कि इस तरह की भी मखलूक है। आपके पास जो बच्चा है, बच्चे कुछ भी है, तो शुक्र अदा करो अल्लाह तबारक व तआला ने फ्री में दे दिया। आजकल कोई किसी को एक मुर्गा और मुर्गी नहीं देता, अल्लाह ताला ने फ्री में तुम्हें एक बच्चा दे दिया है। अब किसी के घर में जाओ बोलो मुझे मुर्गा दे दो, दे देंगे नहीं देंगे? बकरी का बच्चा नहीं देंगे तुम्हें, अल्लाह इंसान का बच्चा दे रहा है। और नखरे देखो कि क्यों बच्ची पैदा हो गई, और जो सांस ये कहते हैं क्यों बच्ची पैदा, वो खुद भी तो औरत है। उसको बोलो तुम अपने आप को पहले मर्द बनाओ। बहरहाल ये अल्लाह तबारक व तआला किसी को औलाद दे दे तो इंसान को इसका शुक्र अदा करना चाहिए। आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी बच्चे थे वो तो बचपन में फौत हो गए, लेकिन इस वक्त जो सैयद खानदान है, अल्लाह के नबी का नसब चला है, अल्लाह के नबी की नस्ल दुनिया में फैल चुकी है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा से चली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब इस वक्त पूरे दुनिया में सैयद खानदान की शक्ल में मौजूद है, वो लड़कों की सूरत में मौजूद, लड़कों की उसमें पुश की वजह से वो सिलसिला मुंतकिल नहीं हुआ। अगर मुंतकिल हुआ कि वो एक औरत जात की वजह से मुंतकिल हुआ, अम्मा फातिमा की वजह से मुंतकिल। और बच्ची की कदर कौन जाने,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफर में जाते थे तो सबसे मिलते, लेकिन आखिर में अभी भी फातिमा से मिल जाते। और सफर से आते तो सबसे पहले बीबी फातिमा से मिलते। हमारे यहाँ तो बेटियों की कोई कदर नहीं, बेटियों को मीरास भी नहीं देते। हम मुझसे कई लोगों ने सवाल किया कि उस्ताद बेटियों का भी मीरास में आप होता है, बेटियों का भी मीरास में आप होता है, क्यों नहीं होता है, वो तुम्हारी औलाद नहीं है, उसको भी मीरास में हक मिलता है, बेटियों को मिलता है, मिलता है तो बेटियों को भी मिलता है। अब चूंकि हम शरीयत से वाकिफ है नहीं और शरीयत को हम अपने जिंदगी में लाना ही नहीं चाहते, 100% हम नहीं लाना चाहते अपनी जिंदगी में। हमने ये समझा कि नम शरीयत क्या है, अल्लाह ऊपर 4 रकात नमाज पढ़ो, मस्जिद से बाहर निकलो टोपी, अभी तो ऐसा होता है ना कि टोपी वहां से भी नहीं पहनते। हमारी शरीयत अगर कपड़े का भी इंतजाम होता है ना तो लोग वहां से कपड़ा भी नहीं पहनते, चलो मस्जिद में कपड़े हैं वहां से नमाज वाले कपड़े भी पहनेंगे, नमाज वाली टोपी भी पहनेंगे। नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोग तो अदब से एहतराम के साथ टोपी रखते हैं, कुछ बाहर चले गए टोपी सर के ऊपर है, अभी तो भूल गए टोपी उतारना और वहां से पहन देते। यानी हमें दीन इस तरीके से, आखिर में इस तरीके से हम दीन तक पहुंच गए हैं। बाकी अगर किसी को ये कहें कि अम्मा पर्दा करो, बाबा झूठ छोड़ दो, रिश्वत छोड़ो, सूद छोड़ दो, अभी लोग क्या कहेंगे पर्दे का बोलो। इस दौर में पर्दा कौन कर सकता है, पर्दा कौन, शरीयत पर चलना तो बड़ा मुश्किल है। लोग यही कहेंगे ना भाई रिश्वत छोड़ दो, इस माशरे में रहेंगे तो कैसे रिश्वत छोड़ देंगे, सूद छोड़ दो, पूरा कारोबार हमारा सूद पे है, सूद छोड़ दो। कहा माशरे में रहते हो, मार्केट में आप रहते हो तो सूद से कैसे छुटकारा आप हासिल कर सकते हो। शरीयत पे चलना बहुत मुश्किल है, हम एक इधर शरीयत पे चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर किसी को ये कहो, इतना बड़ा पत्थर इसको दे दो, 10 टन का पत्थर दे दो, उसको ये बोलो कि भाई इसके अंदर 1 तोला सोना है, इसको निकालो, 1 तोला सोना है, सोने मैंने बहुत बड़ी बात की, इसको बोलो इसके अंदर 1 तोला चांदी निकालो, मैंने कहा चांदी भी बहुत बड़ी बात है, उसको बोलो इस जड़ के अंदर एक सरिया है। बात सरिया की इसलिए चलती है कि सरिया का दौर है, इसलिए मुझे बार बार जबान से सरिया है। तो उसको सिर्फ ये कहो कि इतना बड़ा पत्थर है उसके अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि बोलो इसके अंदर 2 राड सरिये के हैं, आप इनको निकालो, तकरीबन 10 किलो तक हो जाते हैं, 10 किलो के मेरे घर से 500 रुपये बन जाते हैं। मगरिब को आप इनको दिखाओ, सुबह को आ जाएंगे वो पूरा पत्थर पाउडर हो जाएगा। अब ये कितना मुश्किल काम है कि नहीं है, ये 2 मिनट में आसान कर देगा। अब शरीयत की बात करो भाई, सूद छोड़ो, रिश्वत छोड़ो, अब पर्दा करो, कितने शरीयत पर अमल करना तो बड़ा मुश्किल है, सरिया तो आसान है, 2 दिन में फिर टैंकी से आया। और कहते हैं कि फिर भी लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, इस तरह का भी हमें लड़का चाहिए। भाई किसी को अल्लाह ने लड़की दी है, बच्ची दी है, उस पर अभी अल्लाह का क्या करे, शुक्र करे, कम से कम वो सरिया चोर तो नहीं है ना, अपने घर के अंदर है, वो सरिया चोर तो नहीं है। बहरहाल ये बात अगर किसी को बुरी लगी तो माजरत के साथ, लेकिन इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बात तो अल्लाह की नियामतों की हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को नियामत अता फरमाते हैं तो नियामत की नाशुकरी और नाकदरी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला वो क्या करते हैं, नियामत छीन लेते हैं। तो देखो 2 कौमों का जिक्र मैंने आपके सामने किया, 1 कौम सबा का जिक्र किया, 1 बाग वालों का मैंने जिक्र किया, बाग वालों का जिक्र किया, उनकी भी नीयत खराब हो गई थी, वो भी काम के लिए रात को निकले थे, जैसे ये रात को निकले, वो भी रात को निकले थे, तो वहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने तहस नहस कर दिया, यहाँ तो कुछ ना कुछ हाथ में आ गया। तो बहरहाल दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हलाल रोजी अता करने की तौफीक अता फरमाए, कमाने की तो मर्द वो है कि जो अपने बाजू से कमाए, मर्द उसे कहा जाता है जो अपने बाजू से कमाए, चोरी चुपके माल कमाना ये मर्दानगी नहीं, ये जनानगी, क्या है मर्दानगी नहीं, जनानगी कमाना औरत बने, लेकिन औरत के लिए भी ये बात बहुत बुरी चीज है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में अपने नियामत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह।